हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि हम अपने फोन में रिफ्रेश रेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो हम पर जाएंगे पहले सेटिंग पर। तो अपनी सेटिंग में जैसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ देख सकते, जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स रखे हैं, ठीक है। तो आप इनमें से अपने एक ऐप को जैसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ लिखे जैसे हमारी सेटिंग्स, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ देख सकते, ये सेटिंग्स हैं, यह हमारी हो चुकी है ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। इस टॉपिक में से अपने एक टॉपिक को जैसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस जैसे मैं नीचे आते हैं, तो आप गाइस यहाँ देख सकते, जैसे यहाँ लिखा है हमारा डिस्प्ले, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ देख सकते, जैसे डिस्प्ले है, ये हमारा हो चुका ओपन, ठीक है। इस जैसे मैं नीचे आते हैं, जैसे ये आप गाइस यहाँ देख सकते, जैसे रिफ्रेश रेट, ठीक है, इसे ओपन करते हैं। तो आप गाइस यहाँ से, मैं जैसे रिफ्रेश रेट है ये, ठीक है जी, हमारे हो चुका अपने। जैसे यहाँ पर हम कर देंगे अपने, यहाँ पर हम स्टार्ट रेट है 60 एच डी, ठीक है, इस समय में कर देते हैं इसको। जिससे इससे ये होता है कि हमारे जैसे इससे हमारी बैटरी ना कम खाती है इसको, जैसे 60 HD पे जैसे हम कर देते हैं, ठीक है। इस और हमारी वीडियो यहीं तो होती समाप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।